नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मालोदे अहमदनगर महाराष्ट्र से। एक आज का जो वीडियो है ये ब्रेक शूज़ के बारे में, ब्रेक शूज़ को किस तरह से चेक करना चाहिए। शुरुआत के मॉडल में खाली ब्रेक शूज़ का यूज़, खाली ओनली ब्रेक लाइट के लगाने के लिए आता था, मगर ECM कंट्रोल मॉडल जब से इस BS4 BS3 में आया हुआ है, तब से इसमें पहले जो ब्रेक शूज आता था वो खाली 2 पिन का आता था और वो जो काम करता था खाली ऑन ऑफ का टेल लैंप का काम करता था। जब ब्रेक शूज पैडल दबाऊंगे तो ब्रेक शूज ऑन हो जाता था और टेल ब्रेक लाइट जलने लगता था, मगर अभी BS3 BS4 में जो ECM इसका ब्रेक शूज ऑपरेटिंग जो होता है तो ECM को इसका कंट्रोल सिग्नल मिल जाता है। ब्रेक शूज पैडल तब दबाएंगे तो ECM को भी सिग्नल जाता है और ब्रेक लाइट भी ऑन हो जाता है। ब्रेक शूज जो 4 पॉइंट का आता है वो आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ब्रेक शूज किस तरह से वर्किंग करता है ये पूरा तरह से आपको इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए और इसको ब्रेक शूज चेक करने का प्रोसीजर भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसको सप्लाई कहाँ से आता है ये भी इसमें वीडियो में। ये 4 पॉइंट का ब्रेक शूज है, इसमें जो सेम कलर का जो वायर आता है उसमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई आता है इग्निशन शूज ऑन करने के बाद। तो ये जो शूज है इसका डबल वर्किंग रहता है, डबल वर्किंग यानी 2A शूज जैसा इसका वर्किंग रहता है। इसके ऑफ पोजीशन में भी ये ECM को सप्लाई प्रोवाइड करता है और ब्रेक दबाने के बाद उसका ब्रेक लाइट और ECM को इसका पावर सप्लाई जाता है। यानी एक ही टाइम में ये ब्रेक शूज दो तरह के काम करता है। इसके बारे में, ब्रेक शूज के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा इसका थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ कि इसमें कोई भी 4 पिन का ब्रेक शूज हो इसमें 2 छोटे पिन आता है और 2 बड़े पिन आता है। यानी एक छोटे पिन और एक बड़े पिन को इसमें पावर सप्लाई दिया हुआ रहता है। इसका जो लेफ्ट साइड का जो पिन है इसमें छोटे और बड़े पिन में पावर सप्लाई आता है और राइट साइड के ऊपर में जो छोटा पिन है इसमें इसका ब्रेक पैडल ऑफ पोजीशन में भी पावर सप्लाई आउटपुट निकलता है, वो सीधा ECM को सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये अब इसका आपको पावर सप्लाई भी आपको इसका चेक करके दिखाने वाला हूँ मैं। तो इसका अभी पावर सप्लाई चेक करेंगे आपको। इसका इस ब्रेक शूज में जो सेम कलर का वायर आता है उसमें हमेशा 12 वोल्ट सप्लाई आता रहे। इग्निशन शूज मैंने ऑन किया हुआ है। इसका टेस्टिंग के लिए मैंने एक मल्टीमीटर लिया हुआ है और एक वोल्टमीटर लिया हुआ है। एक ही मल्टीमीटर मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैंने एक वोल्टमीटर और एक टेस्ट लैम्प लिया हुआ है। टेस्ट लैम्प इसलिए कि आपका ब्रेक शूज का जो लाइट लगता है टेल लैम्प में, इसके लिए मैंने ये एक टेस्ट लैम्प लिया हुआ है। आपका इसका आप सप्लाई दिखाता हूँ अभी। इसमें जो हरे कलर का जो 2 वायर आया हुआ है इसमें ये इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आएगा, दोनों में सेम वोल्टेज आता है क्योंकि इसका वायरिंग में से इसमें जॉइंट रहता है। ये देखो 12.41 वोल्टेज दिखा रहा है वोल्टमीटर पे। अभी दूसरा कनेक्शन दिखाता हूँ आपको चेक करके, इसमें भी 12 वोल्ट ये देखो सेम वोल्टेज इसमें आएगा क्योंकि एक ही वायर से इसका सप्लाई आया हुआ रहता है, मगर इसमें वायर जॉइंट कंपनी ने दो वायर जॉइंट दिया रहता है। तो इसका अभी क्या करेंगे आपका इसका टेस्टिंग भी करवाने वाला हूँ मैं। इसके लिए आपको ये तो ब्रेक शूज के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मिली होगी।
तो ये अभी भी मैं इसका ये सॉकेट लगाता हूँ। लगाने के बाद इसका अपन टेस्टिंग करने वाले, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ये मैंने ऊपर के साइड में इसका मल्टीमीटर का नीला वायर फिर लाल पट्टा है, इस पर मैंने एक पिन को ऊपर के साइड के लेफ्ट राइट साइड में ऊपर के पिन को मल्टीमीटर का एक पॉजिटिव कॉर्ड दिया हुआ है, और नीचे के साइड में इसका वोल्टमीटर का और टेस्ट लैंप का एक पिन जोड़ा हुआ है। तो ये देखो मल्टीमीटर पे 12.60 का वोल्टेज इसमें दिखा रहा है, यानी इसका अभी ब्रेक पैडल ऑफ पोजीशन में है, इसलिए इसमें तीन पिन को इसका वोल्टेज सेम दिखाएगा। ये ऊपर के साइड लेफ्ट राइट साइड में इसका छोटे पिन में 12.60 का वोल्टेज दिखा रहा है। अभी इसका टेस्टिंग करने वाले हैं अपन, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखो ब्रेक पैडल दबाएंगे तो ये ब्रेक लाइट जलने लगा और वोल्ट मीटर पर आंकड़ा 88 का रीडिंग दिखा रहा है, मगर उसी टाइम मल्टीमीटर का ये वोल्टेज कट हो गया है। ये पूरा ध्यान से देखिए, अभी ब्रेक मेरे पैडल दबाया हुआ है तो मल्टीमीटर का रीडिंग पूरा 0.16 दिखा रहा है। ये 16 जो रीडिंग दिखा रहा है ये एरर अपना जो बचा हुआ वोल्टेज रहता है वायरिंग का, इसलिए दिखा रहा है। ये देखो ब्रेक पैडल छोड़ने के बाद इसका मल्टीमीटर का वोल्टेज पूरा पहले जैसा 12.57 दिखा रहा है, और वोल्टमीटर का और ब्रेक लाइट ऑफ हो गया है। इसी तरह से इसका वर्किंग रहता है, पूरा डिप में समझिए। एक ही टाइम में ये ब्रेक स्विच दो तरह के काम करता है, और इसका जो ऊपर का ये देखो अभी ब्रेक लाइट पैडल मैंने दबाया हुआ है, ब्रेक लाइट जला हुआ है और 11.83 का वोल्टेज दिखा रहा है। ये जो सप्लाई जाता है ये ECM को 80 नंबर पिन पे जाता है, और ब्रेक छोड़ने के बाद जो मल्टीमीटर का वोल्टेज दिखाएगा वो ECM को 24 नंबर पिन पे प्रोवाइड करता है, यानी एक ही टाइम पे दो सप्लाई प्रोवाइड करता है। ब्रेक छोड़ने के बाद भी इसका पावर सप्लाई एक्चुअली ऑन रहता है। आपको ये पूरा डिप में समझने के लिए मैंने ये दो वोल्टमीटर लगाया हुआ है। इसका डायरेक्शन भी पूरा तरह से अच्छे तरह से समझ लीजिए। इसी तरह से वर्किंग करता है, जब भी ब्रेक पैडल छोड़ोगे तो पहले जैसा इसका ऊपर के राइट साइड में इसका वोल्टेज 12 वोल्ट कंटिन्यू रहेगा। जब भी ब्रेक दबाओगे तो इसका ऊपर का जो छोटा पिन है इसका सप्लाई कटअप हो जाता है। इसको बारीकी से समझना ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो 12.51 का वोल्टेज इसमें ऑलरेडी रहता है, यानी ब्रेक स्विच में आपको फिर एक बार इसका टेस्टिंग करवाता हूँ। अभी ब्रेक पैडल मैंने दबाया, ये देखो दबाया हुआ है तो एक ही टाइम में दो इसका वर्किंग होता है। ये देखो मल्टीमीटर का वोल्टेज इसका कटअप हो गया है, और ये वोल्टमीटर पे 11.65 वोल्टेज, और ये टेस्ट लैम्प जलने लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।